नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो कि एक टीचर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं और साथ में एक इंटरेस्टिंग हॉबी भी रखते हैं जिसे हम हेम रेडियो ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं नमस्कार विशाल जी हाई हाउ आर यू आप कैसे हैं? आई एम गुड एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा मैं हूँ विशाल सीके गुप्ता बाई प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाई हॉबी एक हेम ऑपरेटर एंड रोबोटिक्स एक्सपर्ट भी हूँ बट राइट uh, right हम हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करना चाहेंगे लाइसेंस की जानकारी करीब बीस साल से दे रहा हूँ बीस साल पहले मैं अपने कॉलेज में ये हैम ऑपरेटर का कोर्स करवाया था जी। तो तब से मेरे को काफी इंटरेस्ट रहा है हैम रेडियो में इसे एमेचर रेडियो भी कहते हैं एमेचर का मतलब होता है एक्सपर्ट का एग्जैक्ट उल्टा इसका मतलब यह है कि आपको एक्सपर्ट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इस लाइसेंस के लिए आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं आप एक आप, प्रोफेशनल किसी भी फील्ड के हो सकते हैं इवन आप रिटायर्ड हो सकते हैं इस हॉबी के लिए तो सर आप ये बताइए हमें कि हैम रेडियो एक्चुअल में होता क्या है बिकॉज हमने रेडियो के बारे में हम सब ने सुना हुआ है लेकिन ये येम रेडियो हमारे लिए थोड़ा सा नया है तो आप उसके बारे में कुछ बताइए है? ये हैम ऑपरेटर रेडियो या याम रेडियो या एमेचर रेडियो, रेडियो, रेडियो बेसिकली एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप रेडियो फ्रिक्वेंसीज पे ट्रांसमिट करने की परमिशन आपको मिलती है और इसके लिए एक लाइसेंस लगता है ये लाइसेंस आपको टेलीकॉम मिनिस्ट्री से मिलता है टेलीकॉम मिनिस्ट्री के नीचे एक सब डिविजन है वायरलेस प्लानिंग कमीशन डब्ल्यू वो ये आपको लाइसेंस देता है और इस लाइसेंस के साथ आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कुछ रेस्ट्रिक्शन हैं और कुछ फ्रीडम्स हैं जो आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में देखने पड़ेंगे उन्हें फॉलो करना पड़ेगा तो ये लाइसेंस मिलने के बाद आप अपना रेडियो रख सकते हैं आप अपना रेडियो खुद बना सकते हैं और उसे इंडिया के अंदर कहीं से भी ट्रांसमिट कर सकते सर अगर इसमें हम कोर्सेज की बात करें हेम रेडियो रिलेटेड कोर्सेज के बारे में तो उसके बारे में कुछ आप बताइए कि किस एज से लोग शुरू कर सकते हैं इसका कोर्स लाइक like कोई एज रेस्ट्रिक्शन होता है इसके लिए ये yes, सर Uh, इसका एज रिस्ट्रिक्शन सरप्राइजिंगली काफ़ी इजी है बारह साल के ऊपर कोई भी इंडियन सिटीजन इस लाइसेंस के को ले सकता है एग्जाम पास करके इसमें दो एग्जाम्स होते हैं एक होता है आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस का और एक होता है आपका रेडियो थ्योरी जो कि एक तरीके से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का है अगर आप uh, एक तरीके से मानें तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की फिजिक्स की जो बुक है आधी बुक जितनी है उतना सिलेबस होता है और ये दो थ्योरी पेपर्स होते हैं रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए तो लाइसेंस एक्चुअली दो टाइप के होते हैं रेस्ट्रिक्टिड और जनरल ग्रेड तो रेस्ट्रिक्टड के लिए दो थ्योरी एग्जाम्स काफ़ी होते हैं पास करने और अगर आप जनरल ग्रेड में जाना चाहते हैं तो एक एडिशनल और एग्ज़ाम होता है वो होता है मॉर्स कोड का तो आपको एक मॉर्स की के थ्रू एट वर्ड्स पर मिनट सेंडिंग एंड एट वर्ड्स पर मिनट रिसीविंग दिखानी पड़ती है वो एक प्रैक्टिकल टाइप का एग्जाम होता है आपको आ, उधर एग्जामिनर के सामने बैठ के एक मॉर्स की से दबा दबा के आपको ये सिग्नल भेजना होगा दैट इज सर आपने बात करी कि हम इसमें सिग्नल भेजते हैं मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो हेम रेडियो है ये आपातकालीन स्थिति में कैसे काम आता है आ, ये इसका निका आपातकालीन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें जाननी है कि मोबाइल जिस पे हम इतना डिपेंडेंट रहते हैं ये एक बहुत नाजुक नेटवर्क है इसका मतलब ये है कि अगर ज़रा सा भी फ्लड आया तो इस ये फेल हो जाएगा अगर ज़रा सा भी भूकंप आया तो इस ये फेल हो जाएगा इवन वॉर सिचुएशन में आपका मोबाइल नेटवर्क फेल हो जाता है अगर एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा कॉल्स करेंगे जैसे आप न्यू ईयर पे देखते हैं या uh, किसी पर्टिकुलर इवेंट पे देखते हैं सडनली बहुत लोग एक दूसरे को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो नेटवर्क फेल हो जाते हैं तो मोबाइल नेटवर्क टावर्स पे डिपेंड करता है मगर अगर आप आपातकालीन में हैं और अगर आपके पास हैम रेडियो है तो क्योंकि ये किसी नेटवर्क पे डिपेंडेंट नहीं रहता है ये अपने खुद के रेडियो सिग्नल्स भेजता है आप इसको कितनी भी दूरी तक भेज सकते हैं अगर आपके पास लाइसेंस है तो तो आप अपनी इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं आपको मेडिकल एड चाहिए आपको असिस्टेंस चाहिए आपको पुलिस को मिलिट्री को किसी को भी बुलाना है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू सर अगला सवाल जो मेरा है आपसे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर ये टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंडर वायरलेस प्लानिंग कमीशन एक सब डिविजन है आ, इनका ऑफिस दिल्ली में है और आ, इनके एक्चुअली ऑफिस छह और, और जगहों पे इम्पोर्टेंट सिटीज में मेट्रोज में हैं इंडिया में थ्रू आउट दिल्ली में हमारे सबसे पास सर आप मुझे बताइए कि ये हैम रेडियो एक ऐसा एक हॉबी है जैसा कि आपने कहा कि आपका भी एक हॉबी है लेकिन अभी तक जो है ये इतना इस्टेब्लिश नहीं है मतलब ये काफ़ी हिडन है ऐसा क्यों है वेल well, uh, ये हॉबी एक्चुअली में पॉपुलर हुआ करती थी अपटिल ईयर 2000 उसके बाद मोबाइल के आने के बाद कम्युनिकेशन का जो एक बड़ा प्रॉब्लम था जो हैम रेडियो सॉल्व करता था वो सडनली दूसरी तरीके से ज़्यादा इज़िली सॉल्व होने लगा उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे जैसे हम स्मार्टफोन की तरफ जा रहे हैं गूगल की तरफ जा रहे हैं लोगों की हॉबीज़ जो हैं वो बहुत इंडोर्स और बहुत ही थियोरटिकल होती जा रही है हेम इज़ हैम नेली एक प्रैक्टिकल हॉबी है आपको अपना रेडियो खुद सेटअप करना होता है एंटीना खुद सेटअप करना होता है आपको लोगों से मिल जानकारी लेनी पड़ती है Uh, ये एक प्रैक्टिकल हॉबी है ये एक आपको खुद थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है इस चीज़ के लिए तो ये थोड़ा सा uh, कम होता गया बट सरप्राइजिंगली आगरा में हैं करीब पचास के करीब हम लाइसेंस होल्डर्स हैं पूरी इंडिया में देखें तो बाईस हज़ार लोग हम लाइसेंस रखते हैं पूरे वर्ल्ड में देखें तो करीब तीन या साढ़े तीन लाख लोग हम लाइसेंस रखते हैं तो ये हॉबी है बट हाँ इसका एक्सपोजर कम होता गया है बिकॉज मोबाइल की वजह से कम्युनिकेशंस पहले ये डॉक्टर्स रखते थे क्योंकि इमरजेंसी जब होती थी डॉक्टर्स को तो ये हैम से कम्युनिकेट करते थे कि भाई हल्द्वानी में ये एक्सीडेंट हो गया है हमें एक ब्रेन सर्जन की ज़रूरत है आगरा से तुरंत भेजा जाए तो यहाँ का डॉक्टर सिग्नल लेते थे और वो पास ऑन करते थे तो वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है इसलिए अब उतना हैम का चलन नहीं रहा है ऑल राइट right, मतलब ये हॉबी हुआ करती थी बस अभी चलन में उतनी नहीं है जी कुछ इक्विपमेंट्स का हमें रिकॉर्डिंग uh, अगर सुना सकते हैं तो प्लीज़ ये एक मॉडस्की है जो मेरे पास है और मॉर्स्की में बड़ा इरिटेटिंग सा बीप साउंड आता है अनफॉर्चुनेटली पहले मॉट्सकी से ही सिग्नल भेजा जाता था मॉट्सकी में ये खास बात अच्छी होती है कि अगर आप कोई नॉर्मल वॉइस सिग्नल आवाज़ से अगर बात कर रहे हैं तो आप शायद दो किलोमीटर तक बात कर सकते हैं मॉड्सकी वही रेडियो से उतनी ही पावर में बीस किलोमीटर तक सिग्नल जाता है मॉड्सकी इसलिए मॉड्स कोड जो है ज़्यादा पावरफुल uh, है और एग्जाम uh, में भी ये आ, आता है और हम कई जगहों पे uh, जहाँ पे सिग्नल की क्वालिटी खराब होती है मोर्स से भेजते हैं सिग्नल तो ये मोर्स की से मैं आपको एक एस सिग्नल भेज के दिखाता हूँ एस एस सिग्नल होता है जब आपकी जान खतरे में है तो आप किस तरीके से एक सिग्नल भेजें वो इस तरीके से होता है ये है थ्री शॉर्ट डॉट्स थ्री लॉन्ग डैश एंड थ्री शॉर्ट डॉट्स अगेन ये अगर आप लाइट से भी भेज सकते हैं आवाज से भी भेज सकते हैं टैप करके भी भेज सकते हैं और अगर आपको बहुत सारे ये एक्चुअली नॉइज के थ्रू कैरी करता है ये दिवालों के थ्रू भी कैरी कर सकता है अगर आप दिवाल पे भी टैप करेंगे तो जो वाइब्रेशन हैं वो जमीन के थ्रू ज्यादा दूर तक जाते हैं तो मोर्स कोड से आप अपना मैसेज बड़े आराम से भेज सकते हैं उसके लिए रेडियो केवल ही नहीं और भी तरीके से भेजा जा सकता है बस मॉडस कोड समझ में आना चाहिए सर ये एक तरह से कोड कोड वर्ड है कोड है।, है हर ए टू जेड और सारे नंबर्स डैश और डॉट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं जैसे एस ओ एस में एस इज थ्री डॉट्स ओ इज थ्री डैश एंड देन एस अगेन थ्री डॉट्स और जैसे ये दूसरा रेडियो है मेरे पास ये पर्टिकुलरली वर्ल्ड वाइड नेटवर्क से कनेक्टेड है Uh, अगर कोई इस पर ऑनलाइन होगा तो उसमें उसकी आवाज़ आनी चाहिए जि, नॉर्मली जिस ये uh, क्योंकि हम डिजिटली कनेक्टेड uh, हैं तो uh, कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कभी जिम्बाब्वे से आ जाता है कभी इंडोनेशिया से आ जाता है जापान से आ जाता है कोई और कॉल करता है कि कोई है बात करने के लिए लोग आपस अप, अप में बात करते हैं पाँच दस मिनट बात करते हैं अपनी हालचाल लेते हैं और कई बार तो लोग एक दूसरे को पहचानना शुरू कर देते हैं कि अच्छा तुम तुम ये बंदा बोल रहा है कि अगर कोई अवेलेबल है तो मुझसे बात कर लो आप हम सभी से क्या अंत में कहना चाहेंगे यानी कि आप हमारे सभी श्रोता गणों से क्या कहना चाहेंगे वेल well, uh, मैं यही कहूँगा कि uh, घर से बाहर निकलिए बहुत सारी ऐसी हॉबीज हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ हेम ऑपरेटर ही सबसे अच्छी हॉबी है uh, ये कहना गलत होगा बट घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है हम लोग जिस तरीके से आ, इंटरनेट और मोबाइल की वजह से काफ़ी इंडोर टाइप के हो गए हैं हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है हेम एक अच्छी हॉबी है वन ऑफ़ द मेनी ऑप्शंस कई हॉबीज़ में से एक है जो कि आपको एक मेंटल एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट देती है और उसके साथ साथ आपकी और कम्युनिटी की हेल्प करती है आप अपने अलावा लोगों के भी काम आ सकते हैं लोगों के काम आइए अपने काम आइए खुश रहिए और आपको कोर्सेस के बारे में बता भी दिया है तो अगर आप चाहें कुछ एक इंटरेस्टिंग हॉबी डेवलप करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं और इतना कॉस्ट भी नहीं है कि इसमें आपका कुछ ज़्यादा एक्सपेंस जाएगा बस आपको एक फोकस्ड अगर लाइफस्टाइल जीना है और कुछ करते रहना है तो आई थिंक ये हॉबी सबसे अच्छा तरीका है एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का शुक्रिया विशाल जी आपसे आज काफी इन्फॉर्मेशन गेन की हमने आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा नमस्कार नमस्कार थैंक यू